नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। नदौन में कांग्रेस सम्मेलन में बिहार की सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी रंजिता रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर किए प्रहार। बाल खेल मैदान में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां कर दी गई शुरू। बाय स्कूल ग्राउंड में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर बोला जुबानी हमला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव नजदीक आते देख जनता को गुमराह करने के लिए जनता के झूठे हितैषी बन रहे, कहा भाजपा विधायक विजय अग्निहोत्री ने। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला के नदौन में कांग्रेस सम्मेलन में बिहार की सांसद व प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी रंजिता रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किए। रंजिता रंजन ने देश के गिर रही डीजीपी पर चिंता जाहिर करते हुए इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश की डीजीपी 1 से 1.5% और गिरेगी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के समय की बातें करने वाली बीजेपी आज अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। हमीरपुर जिला के नदौन में कांग्रेस सम्मेलन में बिहार की सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी रंजिता रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किए। रंजिता रंजन ने प्रदेश की गिर रही डीजीपी पर चिंता जाहिर करते हुए इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश की जीडीपी 1 से 1.5% और गिरेगी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के समय की बातें करने वाली बीजेपी आज अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। इस अवसर पर रंजिता रंजन ने हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर को पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि रेलवे ट्रैक बनाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मंत्री बदल दिए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक की घोषणाएं मात्र कोरी ही रह रही हैं, जिसे जनता को समझना चाहिए। कांग्रेस से प्रभारी रंजिता रंजन नदौन में कांग्रेस सम्मेलन में पहुंची थी और इस अवसर पर रंजिता रंजन ने केंद्र सरकार के अलावा सांसद अनुराग ठाकुर पर भी तीखे हमले करके जनता के सामने बातों को रखा और चुटकुलों के माध्यम से भी जनता को समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जिस तरह से पूरे देश को 2% जीडीपी गिराकर जब मनमोहन सिंह जी सदन में कह रहे थे ये सरकार की संगठित लूट है नोटबंदी, तो मोदी जी बहुत अहंकार में पार्लियामेंट के अंदर एक पूर्व प्रधानमंत्री को जिनके बारे में कहा जाता है कि चांद पे दाग नहीं हो सकता है लेकिन मनमोहन सिंह जी पे नहीं, कहा कि मनमोहन जी आपको तो गुसलखाने में रेनकोट पहन के नहाने की आदत है, मतलब आप भ्रष्टाचार भी हुआ आप नहीं भीगे। और आज फिर वायरल हो रहा है मोदी साहब मनमोहन सिंह जी के बाथरूम में झांकने से बेहतर था उनकी लाइब्रेरी में झांके होते तो देश की ये 2% जीडीपी नहीं जीती और ये हालात नहीं। और अब फिर मैं कहूंगी कि वही मनमोहन सिंह जी ने और रघुराजन जी ने फिर देश को आगाह किया है कि जीडीपी अभी भी 1 से 1.5% तक और गिरेगी। जो आपकी सड़कें बनती है, जो अनुराग ठाकुर बोल के चले गए कि रेलवे का ट्रैक बनाएंगे लेकिन हफ्ते में 5 एक्सीडेंट होते हैं, मंत्री बदल दिए जाते हैं लेकिन इनसे ट्रैक नहीं संभलते। हमीरपुर के बाल खेल मैदान में दशहरे पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर साल की भांति इस साल भी दशहरा बाल खेल मैदान में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बाल खेल मैदान में दशहरे पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर साल की भांति इस साल भी दशहरा बाल खेल मैदान में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं।
दशहरा कमेटी के अध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने बताया कि इस बार दशहरे में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दिन हमीरपुर की समस्त जनता पर रविवार के दिन बॉयज स्कूल के ग्राउंड में पहुंचे। दीप कुमार बजाज ने इस मौके पर दशहरे की सभी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी दशहरा धूमधाम के साथ बॉयज स्कूल में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। हमीर दशहरा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। इस वर्ष भी दशहरा नगर वासियों की इमदाद से सारे व्यापारी भाइयों के सहयोग से 1 अक्टूबर रविवार के दिन पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सभी नगर वासियों से प्रार्थना है कि इसमें अपने दोस्तों परिवार सहित सभी लोगों के साथ दशहरा पर्व के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज की ग्राउंड में पहुंचिए और दशहरा की शोभा बढ़ाए। और इसमें दशहरे के दिन मुख्य रूप से मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी इसमें शिरकत करेंगे। आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजी फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजी फैशन पॉइंट, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट, अपोजिट दीप एंड कंपनी, नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के नदौन और बड़सर में हुई कांग्रेस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर जुबानी हमला बोला। सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि बीजेपी नेता नहीं चाहते कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बने, इसलिए जमीन को लेकर विवाद गरमा रहा है। हमीरपुर के नदौन और बड़सर में हुई कांग्रेस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर जुबानी हमला बोला। सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि बीजेपी नेता नहीं चाहते कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बने, इसलिए जमीन को लेकर विवाद गरमाता रहा है। सुक्खू ने आरोप लगाया कि दो बार धूमल सीएम रहे, लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर बेतुकी बयानबाजी समझ से परे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता के हित से जुड़े हुए मेडिकल कॉलेज को लेकर पूर्व सीएम धूमल के बयान समझ से परे हैं, जिसमें धूमल कहते हैं कि क्या जरूरत है मेडिकल कॉलेज की। सुक्खू ने कहा कि जिला हमीरपुर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं, लेकिन बीजेपी ने हमेशा भेदभाव की राजनीति की है। वो परिवार का व्यक्ति खुश होता है। किसी गांव में स्कूल खुल जाए, सड़क बन जाए, उस पंचायत के लोग, उस गांव के लोग खुश होते हैं। समाज के लोग किस बात से खुश होते हैं? समाज के लोग आज सबसे ज्यादा चिंतित किस बात से होते हैं? वो उनके हेल्थ को लेकर है। और मुझे फख्र है, मैं एमएलए नहीं था, गुलाम नबी आजाद जी इस प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश में दो पिछड़े जिलों को मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर करके दे। मैं टांडा में इंतजार कर रहा था, मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर नहीं दिया। मैंने उन्हें फोन किया तो फोन ही ना मेरा कोई उठाए। मैंने कहा ये बड़ी अच्छे की बात है। मैंने आज के जो स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जी को फोन किया, वो भी मेरा फोन ना उठाए। अब वो सुंदरनगर से हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले थे। मैंने दिमाग लगाया कि मैं ग्वालियर से सुंदरनगर नहीं पहुंच सकता, तो मैंने एमएलए को फोन कर दिया। कहते अभी बाथरूम में गए हैं और अभी बाथरूम से निकलते हैं, मैं बात करवाता हूं।
और ये देखिए मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई, मैंने कहा गुलाम नबी आजाद साहब आपका व्यक्तित्व बहुत महान है, मेरे आपने दो बड़े हॉस्पिटल जो टांडा और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की तरह थे वो आपने घोषित किए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा ये पिछड़े जिलों के लिए है, हमीरपुर को नहीं मिल सकता। मैं रात को उसके एक हफ्ते बाद मैं रात को उनको दिल्ली मिलने गया। कई लोग नहीं चाहते थे कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुले। 2:30 बजे मेरी उनसे मुलाकात होती है, रात को 2:30 बजे, मुझे क्या जरूरत थी 2:30 बजे रुकने। जिला हमीरपुर के मुख्यालय के साथ लगती संपर्क मार्गों की हालत दयनीय बनी हुई है और प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमीरपुर में दरकोटी बाया बड़ू काला अम सड़क की हालत भी कई सालों से खराब है और प्रदेश सरकार ने इसे नहीं बनवाया, ना ही इस समस्या की ओर कोई समाधान किया। लेकिन हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्या को देखते हुए सड़क की मुरम्मत कार्य आरम्भ करवा दिया है। ये बात भाजपा नेता एवं KCCV के पूर्व चेयरमैन रसिल सिंह मनकोटिया ने कही। हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगते संपर्क मार्गों की हालत दयनीय बनी हुई है और प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमीरपुर से दरकोटी बाया बड़ू काला अम सड़क की हालत कई सालों से खराब है और प्रदेश सरकार ने इसे नहीं बनवाया और न ही इस समस्या का कोई समाधान किया। लेकिन हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए सड़क की मुरम्मत कार्य आरम्भ करवा दिया है। ये बात भाजपा नेता एवं KCCV के पूर्व चेयरमैन रसिल सिंह मनकोटिया ने कही। भाजपा नेता व KCCV के पूर्व चेयरमैन रसिल सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया है, लेकिन सांसद अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्या का समाधान किया और बड़ू काला अम दरकोटी सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना में डाल दिया, जिससे सड़क पर टायरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगले माह तक इस सड़क का कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों को आवाजाही करने में सुविधा मिलेगी। बड़ू से दरकोटी बाया काले मरोड़ वाली बात है। पिछले 4 वर्षों में प्रदेश सरकार की ओर से इसमें कोई काम नहीं हुआ है, जिसके कारण जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं। मैं धन्यवादी हूं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, जिनकी कृपा से इस रोड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डाल दिया गया है और इसका सारा टेंडर जो है वो ठेकेदार को हो चुका है और ठेकेदार ने इसके लिए रोड वाइडिंग का और इसका डंगियों का काम और रेलिंग का काम शुरू कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर तक इस रोड पर पूरी टारिंग हो जाएगी, ताकि जिससे के कारण लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। अब शहर वासियों को हाउस टैक्स संबंधी सभी जानकारियां जल्द ही उनके मोबाइल पर मिलेगी। नगर परिषद हमीरपुर द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाएं सीधे SMS के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर पहुंचेगी। नगर परिषद सभी गृह स्वामियों के मोबाइल नंबर हाउस टैक्स की बुकलेट में फीड करने जा रहा है। नगर परिषद के EO विनोद कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस सुविधा के शुरू हो जाने पर लोगों को अग्रिम टैक्स जमा करवाने व मिलने वाली छूट सहित अन्य सभी जानकारियां घर बैठे ही उपलब्ध होंगी। हमीरपुर शहरवासियों को अब हाउस टैक्स संबंधी सारी जानकारी जल्द ही उनके मोबाइल पर मिलेगी। नगर परिषद हमीरपुर द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाएं सीधे SMS के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर पहुंचेगी। नगर परिषद सभी गृह स्वामियों के मोबाइल पर नंबर हाउस टैक्स की बुकलेट में फीड करने जा रहा है। नगर परिषद हमीरपुर के EO विनोद कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू हो जाने से लोगों को अग्रिम टैक्स जमा करवाने व मिलने वाली छूट सहित अन्य सभी जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होंगी। हालांकि अभी इस सुविधा को चालू करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इस प्रपोजल को लेकर हाउस की सहमति के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। शहर में इस बार 31 मार्च तक नगर परिषद के खजाने में 1,10,00,000 रूपए जमा हुए हैं। स्थिति यह बनी थी कि नगर परिषद को नोटबंदी के कारण गृह स्वामियों ने बिना मांगे ही अपना हाउस टैक्स एडवांस में जमा करवा दिया था, लिहाजा अब नगर परिषद चाहती है कि गृह स्वामियों को हाउस टैक्स में समय पर दी जाने वाली छूट से SMS के जरिए अवगत करवाया जाए, ताकि वे इसका भरपूर लाभ ले सकें। विभाग का मानना है कि लोगों को टैक्स में छूट अथवा कब इसे जमा करवाना है आदि जानकारी SMS से मिलने लगे तो उन्हें काफी सुविधा होगी। बता दें कि 31 मार्च तक सालाना हाउस टैक्स
पर दी गई 10% छूट का शहरवासियों ने जमकर फायदा उठाया था। अकेले मार्च माह की ही बात करें तो इसी महीने 60 लाख का टैक्स जमा हुआ है, जबकि 50 लाख से ज्यादा का टैक्स बाकी के महीनों में अलग नगर परिषद ने जुटाया है, जिसमें से 60 लाख का टैक्स 10% छूट देने वाले शहरवासियों ने ही जमा करवाया है। नगर परिषद के पास हाउस टैक्स के डिफॉल्टरों की लंबी सूची पड़ी है, जिनमें से कुछ तो अपने टैक्स जमा करवाते हैं जबकि कुछ अपनी मनमानी पर अभी भी उतारू हैं। इसका खामियाजा नगर परिषद को भुगतना पड़ रहा है। नगर परिषद को हर माह लाखों की चपत लग रही है, लिहाजा SMS सुविधा के शुरू हो जाने से ऐसे लोगों को भी समय समय पर अलर्ट करने की में काफी मदद मिलेगी। ये कर निर्धारण जो है ये अभी हमारा इस वर्ष का शुरू होगा, जिसकी हमारी पहले बैठक होगी, किया जाएगा। गृहकरण निर्धारण के बाद जो है वो लोगों को बिल वगैरह जो रूटीन में भेजा जाते हैं। पर एक जो गवर्नमेंट का भी एक हिदायत है निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की, कि गृहकर का निर्धारण GPS सिस्टम के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से इसकी असेसमेंट की जाए। तो इसके लिए हमें पहले मैन पावर चाहिए, थोड़ा सा इसमें सारा अपडेट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड सारा सॉफ्टवेयर पे चढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें जो हमारा हाउस है, हाउस से परमिशन लेने के बाद ही इस सिस्टम को हम कर पाएंगे। इस सिस्टम के माध्यम से ये हुआ कि जितने भी लोगों का गृह कर जो होगा, एक्चुअली कोई नए घर बन रहे हैं तो वो अपडेट हो जाएंगे, या कोई घर जो पिछली बार असेसमेंट नहीं हुआ उसको भी असेसमेंट की जा सकेगी उसके माध्यम से। और साथ ही लोगों को जो सोचना है, जब ये हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो ये मोबाइल के माध्यम से भी लोगों को गृह कर के बारे में सूचना दी जा सकती है कि आपका इतना गृह कर जो है ड्यू है। कि हमारा पहले इसमें सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, सॉफ्टवेयर के बाद ही इसको अपडेट करके फिर जैसे होगा तो हम इसको मोबाइल के माध्यम से लोगों को सूचित कर सकेंगे कि आपके इतना गृह कर है, दे है। और अगर कोई दे देता है तो उसके लिए भी फिर अलग से अकाउंट वगैरह वो ऑनलाइन जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आए पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नई लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सिद्ध हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762888942339090। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम
और बने पुण्य के भागी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के हर जिला एवं गांव की तरह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं, पर आवश्यकता है अपने गौरवमय इतिहास ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की और गौरव के प्रचार प्रसार की। ये बात पूर्व में पर्यटन विकास निगम के निदेशक रहे एवं प्रदेश भाजपा मीडिया से प्रभारी नरेंद्र अत्री ने विश्व पर्यटन दिवस पर धर्मपुर में कही। हिमाचल प्रदेश की हर जिला एवं गांव की तरह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र भी पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं, पर आवश्यकता है अपने गौरवमय इतिहास ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की और गौरव के प्रचार प्रसार की। ये बात पूर्व में पर्यटन विकास नगर के निदेशक रहे एवं प्रदेश भाजपा मीडिया से प्रभारी नरेंद्र अत्री ने विश्व पर्यटन दिवस पर ए स्टेप टूवर्ड्स कमला फोर्ट सेव कमला फोर्ट कास्ट कंट्री मैराथन के समापन के अवसर पर सैकड़ों युवाओं खिलाड़ियों व क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले नरेंद्र अत्री एवं मिक्स मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय कोच रणवीर ठाकुर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अत्री ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर टिहरा पंचायत टूरिज्म स्काउट इंडिया अटल वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने 392 साल पुराने कमला किले के नाम पर कास्ट कंट्री मैराथन का आयोजन कर एक प्रयास किया है। आह्वान किया है कि 392 साल पुराने गौरव में ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जाए एवं यहां पहुंचने के लिए अच्छी सड़क सुविधा एवं अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, ताकि ये किला जो न केवल ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बाबा कमलाहिया का मंदिर भी है, यहां पहुंचने के लिए सुविधाएं मुहैया करवाकर अधिक से अधिक लोगों को यहां पहुंचाकर पर्यटन को पंख लगाए जा सकते हैं और स्थानीय स्तर पर युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। ऐतिहासिक कमला फोर्ट को बचाने में प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने और टीरा में कमला बाया धलोन ब्रहल के लिए पिछले करीब 30 वर्षों से बनाई जा रही अधूरी सड़क को पूरा करने की मांग को लेकर टीरा पंचायत द्वारा पर्यटन विश्व दिवस पर टूरिज्म स्काउट इंडिया अटल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से सेव कमला फोर्ट सेव हेरिटेज मैराथन का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों सहित क्षेत्र के युवाओं पंचायत प्रतिनिधियों ने युवक मंडलों ने महिला मंडलों ने प्रदेश सरकार सहित टूरिज्म विभाग से मांग की है कि कमला किले को बनाने और कमला पहुंचने के लिए सड़क की स्थिति में सुधार लाया जाए, ताकि प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक पर्यटक यहाँ पहुँच सके। पर्यटन दिवस के अवसर पर टीरा पंचायत द्वारा टूरिज्म स्काउट इंडिया के सहयोग से सेव कमला फोर्ट इस उद्देश्य को लेकर जो मैराथन का आयोजन किया गया, मैं इसके लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। मैं इस मैराथन को जीतने वाले जो युवा हैं उनको बधाई देता हूं और मैं प्रशंसा करता हूं इस प्रयास की, क्योंकि सेव कमला फोर्ट ऐसा इस उद्देश्य को लेकर आयोजकों ने न केवल 392 साल पुराने गौरवमय इतिहास को बचाने का प्रयास अपनी तरफ से किया है बल्कि समाज का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। इस तरह की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाकर न केवल हम अपने गौरवमय इतिहास को संजोकर रखते हैं बल्कि पर्यटन विकास के क्षेत्र में भी ये एक मील पत्थर साबित होगा। वर्तमान समय में जिस तरह देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर अपने विचार रखते हैं कि रोजगार सृजन के लिए पर्यटन विकास का एक अहम स्थान है, तो मेरा मानना है कि हमारा क्षेत्र हमारी जो गौरवमय संस्कृति किसी से कम नहीं है। यदि हम इसको बचाएंगे इसको संजोकर रखेंगे तो निश्चित तौर पर बाकी क्षेत्रों की तरह हमारे धर्मपुर क्षेत्र में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमीरपुर जिला के पैराडाइज पब्लिक स्कूल कोर्ट में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बच्चों ने नुक्कड़ नाटकों के करके लोगों को मतदान करने के बारे में जानकारी दी। जिला हमीरपुर के पैराडाइज पब्लिक स्कूल कोर्ट में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों ने नुक्कड़ नाटक करके लोगों को मतदान के बारे में जानकारी दी। नाटकों के माध्यम से लोगों को वोट के महत्व तथा वोट न देने के परिणामों को चित्रार्थ करके दर्शाया गया। सभी को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी 18 वर्ष की आयु का हो गया है उसे वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाकर लोकतंत्र का अभिन्न अंग बनते हुए अपने वोट का सही प्रयोग करना चाहिए।
निदौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने ग्राम पंचायत हरेट्टा के गांव में 2 लाख रुपए से निर्मित महिला मंडल भवन व गांव के ही प्रमुख रास्ते पर विधायक निधि से निर्मित पुली का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। महिला मंडल के सदस्यों ने विधायक का हरेट्टा में पहुंचने पर शॉल व टोपी पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव नजदीक अत्यधिक जनता को गुमराह करने के लिए जनता के झूठे हितैषी बन रहे हैं। नदौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने ग्राम पंचायत हरेट्टा के गांव में 2 लाख रुपए से निर्मित महिला मंडल भवन व गांव के ही प्रमुख रास्ते पर विधायक निधि से निर्मित पुली का उद्घाटन कर जनता को संबोधित किया। महिला मंडल के सदस्यों ने विधायक का पहुंचने पर शॉल व टोपी पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनावों के नजदीक आते देख जनता को गुमराह करने के लिए जनता के झूठे हितैषी बन रहे हैं, जबकि पिछले 4.5 वर्ष तक उन्हें नदौन की जनता की याद तक नहीं आई। चुनाव हारने के पश्चात उन्होंने नदौन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। सरकार का काम विकास को गति देना होता है, जबकि अपनी ही सरकार होते हुए नदौन में विकास कार्यों को करने की बजाय उन्होंने विकास में बाधा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश में जल्द ही प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और नदौन में जो विकास को ग्रहण लगा है उस पर विराम लगेगा। इस अवसर पर मंडल महामंत्री पवन शर्मा, उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, पूर्व जिला परिषद सदस्य आशा शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। यहाँ के सेंट्रल स्कूल को बदल के संभोल रहे हैं। मैं उनको इस मंच से और किसी भी मंच से मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप उसके बारे में एक भी लेटर, सेंक्शन लेटर हमें बताओ कि ग्लोर में कभी कोई सेंट्रल स्कूल सेंक्शन हुआ था। ऐसा अगर वो बता देंगे तो मैं उनकी बात मान जाऊंगा। यहाँ कुछ नहीं था, आप सब लोगों को गुमराह किया गया। जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर बनी, मैंने खुद अपने हाथों से लेटर लिखा कि मैंने कहा ग्लोर में जो प्रस्तावित सेंट्रल स्कूल है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। उन्होंने कहा यहाँ कोई ऐसा प्रस्तावित नहीं है। मैंने विधानसभा में प्रदेश की सरकार को क्वेश्चन किया कि केंद्र जो सेंट्रल स्कूल ग्लोर में प्रस्तावित है उसकी क्या अद्यतन स्थिति है। उन्होंने जवाब दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उसके बाद चलते चलते एक बार फिर रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। नदौन में कांग्रेस सम्मेलन में बिहार की सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी रंजिता रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर किए प्रहार। बाल खेल मैदान में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां कर दी गई शुरू। बाय स्कूल ग्राउंड में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर बोला जुबानी हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव नजदीक आते देख जनता को गुमराह करने के लिए जनता के झूठे हितैषी बन रहे, कहा भाजपा विधायक विजय अग्निहोत्री ने। तो ये था आज दिन का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एस्ट्रोडे के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश, देश और विदेश से राजनीति, खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है, हर खबर पर होगी पैनी नजर।